गुड मॉर्निंग एवरीबडी, टुडे इज 27th, आज है वेडनेसडे एंड जनरली लोग अलार्म लगाते हैं ताकि वो सुबह उठ सकें। आज मैंने अपने अलार्म को उठाया है क्योंकि मैं 6:30 बजे उठ गया था। आज बहुत बड़ा काम अपने हाथ में है क्योंकि मुझे बहुत पुरानी वीडियोस में से एक वीडियो छांट के ढूंढनी है। एक शो है वो बहुत टॉपिकल शो है और उस स्पेसिफिक टॉपिक पे मेरे पास सिर्फ एक ही कॉम्पोजिशन है। पूरा पुलिंडा लेके मैं बैठूंगा, एक एक सीडी निकाल निकाल के देखनी पड़ेगी, होपफुली आई फाइंड इट। उसके बिना मेरा काम है मुश्किल। अभी एक फोन आया तो कहते हैं कि मुझे ऐश से बात करनी है, दादा का नाम लेके। हे भगवान, मतलब महाराज वगैरह कुछ नहीं। मैंने कहा क्यों, क्या काम है? मैं गैरत से बोल रहा हूँ, महाराज जी को कोई जानने वाला होगा? जब मैंने उसको बताया कि 2 साल हो गए महाराज जी अभी नहीं है, तो एकदम सकते हैं। सॉरी मैडम, सॉरी। जली जीवन है। लाइए भैया, आज थैला वाला बंदा भी नहीं है और थैला भी नहीं है। दुग्धम शरणम गच्छामि। मैं तो गिर गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। उठा, हटा नहीं, बच गया, ये भी पकड़। कुताऊ है ये। एक सुरीला नगमा। तोबा तोबा तोबा, सुर की इतनी बेइज्जती। लुक एट हर आईज, वेरी इनोसेंट। इनोसेंट बिल्कुल नहीं है, हर 2 मिनट में अंदर जाती है बाहर आती उसका है। उसका खाना है, जाती है 2-4 खाना खा के चली आती है। जान सा मुखड़ा यूं शर्माया। ये ना बर्दाश्त हो पाई बब। आज स्पेशल तैयारी हो रही है आटे की, इसमें डला है अजवाइन, नमक, मिर्ची, पर ये पूड़ी नहीं बन रही है, ये बन रहा है पराठे का आटा और घी। अरे भाई घी, घी कैसे भूल सकते हो? वी आर इन एब्सोल्यूट क्राइसिस। सुबह कुछ बहुत मेजर फॉल्ट हो गई जिस वजह से लाइट चली गई है, कुछ फूका है तगड़ा। अब सबसे बड़ी दिक्कत है पानी की और ये लोग कह रहे हैं कि पता नहीं कब तक ठीक होगा बिकॉज द इलेक्ट्रिशियन इज नॉट हियर। पॉसिबिलिटी है कि आज पूरे दिन लाइट ना हो यहाँ पे, तो हमारी तो बच गई बैंड। आशीष का लैपटॉप डिस्चार्ज है, फोन से वाईफाई चलाना पड़ रहा है, लैपटॉप हटा नहीं सकते क्योंकि हार्ड ड्राइव हिल जाएगी। आधी चड्डी में बैठे इसलिए ऑफिस नहीं जा सकते। कॉर्नफ्लेक्स के लिए दूध गर्म है, दूध ठंडा कर नहीं सकते क्योंकि फ्रिज में लाइट नहीं है। पुराना जमाना ही अच्छा था। क्या दिन बन गया है ना। सो वी हैव कम टू दिस इवेंट। मॉम को अवार्ड मिलने वाला है, महिला उन्नति संस्था है जिनका महिला उन्नति अवार्ड है। मैं प्रीति यादव, 2019 मैच के आईपीएस ऑफिसर। जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कितना ज्यादा दृढ़ विश्वास स्वयं पे करती हैं। और इन संस्था की तरफ हम कहीं आगे बढ़ रहे हैं। पे बैठा हूँ, वो कभी भी गिर सकती है, डगडगा रही है। मुझे भी बुलाया, उसके लिए एक बार सभी को धन्यवाद कि महिलाओं की उन्नति से ज्यादा महिलाओं के संरक्षण, महिलाओं के अधिकारों के लिए जो भी संगठन काम करते हैं उनमें से एक संगठन ये भी है। मैम भी अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना है, कोरियोग्राफर, म्यूजिक कंपोजर, विभिन्नताओं के साथ मैम ने अपना व्यक्तित्व को निखारा है, हमारे बीच में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मृतका सिंह लोग उनका स्वागत करें। पंडित बिरजू महाराज जी जो कि पारंपरिक नमस्कार, इस मंच का मैं आभार प्रकट करती हूँ। इस अवार्ड ने मुझे सचेत कर दिया है, जारी रखो काम को। जैसा कि परिचय मिल गया कि मैं पंडित बिरजू महाराज जी की शिष्या भी हूँ और उनकी बहू भी हूँ, उस नाते मैं उस परंपराओं को आगे ले जाने के लिए सशक्त कोशिश कर रही हूँ। सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इसकी तरफ थोड़ा सा मुखातिब हो, थोड़ा सा ध्यान दें। ये संगीत भी जीवन में चमत्कार करता है, तो इस कला को ग्रेटर नोएडा में प्रचार और प्रसार करने में मेरा सहयोग दीजिए। नमस्कार। माँ को अवार्ड मिलने की खुशी में हम लोग यहाँ पे लंच पे हैं। अवार्ड लेने हम सब गए थे। टू माँ एंड हर लवली लवली अवार्ड। चीयर्स। हमारे घर पे अवार्ड भरते रहे। डिलीशियस माहौल बन जाता है जब एक साहित्य की बात होनी शुरू होती है। उस माहौल में जाओ, आपका मन कैसे रंगेगा बताओ। मेरे दिमाग में एक थॉट है, रजनी या हम लोग सब लोग मिलके अगर उसको पिकअप करें, उस थॉट को कुछ दे सके ना दे सके, एक दूसरे को सुकून दे सकते हैं। गैदरिंग करते हैं, उस गैदरिंग में आप गाइए, कुछ पोएट्री पढ़िए, कोई कहानी सुनाइए, कोई लतीफा सुनाइए, कुछ खाइए पीजिए, जैमिंग जैसा है ना। जैम सेशन, जैम सेशन, आंखों में चमक आ गई। शैल जाके टॉपिक दे सकते हो आप, उस टॉपिक पे कुछ पढ़ा है तो बताओ, कुछ लिखा है तो बताओ, कुछ सुना है तो बताओ, कुछ गा लो, कुछ भी कर लो। मेरा पापड़ बैट सिग्नल जैसा दिखता है, टाडा। इसको मैं जितनी बार भी खा रहा हूँ एंड सांस अंदर ले रहा हूँ, झांस लग रही बहुत तेज। ए शैलजा, ये वाला पापड़ खा और सांस अंदर खींच, सांस अंदर खींच। Why would you do that to me? It
इट इज नॉट ब्रॉन्चाइटिस। मम्मी का फेवरेट डिश चिली पनीर आ चुका है। ये मेरी माँ को इतना पसंद है, बचपन से मैं देख रहा हूँ। इनसे कभी पूछो आपको क्या खाना स्टार्टर में, चिली पनीर। मैं एंड हर्षिता दी, वी आर फैनेटिक्स। हम लोग अंदाज अपना अपना फिल्म के फैंस हैं। इतनी गजब की फिल्म है, वी कीप रीएनएक्टिंग दोस थिंग्स। तेरा प्लान ही गलत है, तेरे को बेटी से पैसे मांगा, तुम्हें बेटी को किडनैप करके बाप से करना लगता है। कच्चा खिलाड़ी थैंक यू। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने बोला कि ता थे थी तक आ थे थी तक ओके, मुझे लर्न हो गया। आप आधा घंटा क्यों करवाती हैं जब मुझे समझ आ गया? एक बार आ गया मुझे खत्म करिए बात। आजकल के बच्चे ऐसे ऐसे सवाल उठाते, वी एज टीचर्स वी आर स्पीचलेस। मेरी अवार्ड विनिंग अम्मा क्या कर रही है? बिना मेकअप उतारे भरवा करेला बना रही है, हल्के में मतलब है। 100 रुपए भारी पड़ेगा भरवे करेले में, ये क्या है? एक नए तरीके से बनवा रही, उसको फिल करूंगी नारियल मूंगफली धनिया की सीड्स वगैरह, एक नए प्रकार का करेला। खाओगे तो ऐसे उंगली चाटोगे, क्योंकि मेरा इरादा आज तुम्हें करेला खिलाने का है। बचपन से नहीं खाते, इस बार खाओगे। आपको पता है, मैं आज ना मेरे 2-3 दोस्त आ रहे हैं, वो मुझे बुला रहे थे ऐसे बाहर जाने के लिए। ठीक है, मैं ना थोड़ी देर में आता हूँ मम्मी। ये हम लोग के घर के ठीक सामने जो गार्डन होता है छोटा सा, ये सोसाइटी मेंटेन करती है, तो आज इसमें नई प्लांटेशंस हुई हैं। इसमें पारिजात लगा है और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स और भी लगे जिनका नाम मुझे उतना खास पता नहीं। इट लुक्स लवली। अवार्ड सेरेमनी से वापस आके मुझे और रजनी को हिम्मत नहीं हुई, लेकिन हम लोग को जाना था नर्सरी। जिस तरीके से फर्स्ट फ्लोर पे माँ ने पाम्स लगा रखे ना, तो उसी तरीके से हम लोग को अपनी बालकनी में भी पाम ट्रीज लगाने हैं, ताकि वो दूर से भरा भरा लगे और एक सिमेट्री भी नजर आए। बेचारी मेरी एक्टिवा, बड़े नाजों से पाला था इसको, बड़े अरमानों से खरीदा था। ये एक्चुअली रजनी को गिफ्ट किया था मैंने, मेरे पुराने व्लॉग्स में आप देख सकते हैं इसको। हमारे घर पे कोई टू व्हीलर था नहीं और रजनी के पास हमेशा से टू व्हीलर था, तो उन्होंने कहा एक टू व्हीलर तो यहाँ पे घर पे होना चाहिए, बट इसकी तो बज गई है बैंड। ये हमारे झूले का स्टैंड है, फ्रेश पेंट हुआ है, तो हम लेके जाएंगे अभी ऊपर, फिर इस पे टंगेगा हमारा झूला। सुबह जो हमारे यहाँ लाइट गई थी, वो इस इलेक्ट्रिकल बॉक्स में जो सबसे मेन फ्यूज होता है बड़ा वाला, वो फूका था, जिसकी स्पार्क्स मम्मी को उस विंडो से दिखी थी। सोसाइटी के इलेक्ट्रिशियन जो है वो गाँव गए थे, वो बेचारे को वहां से वापस बुलाया। मैं जब आया, अरे भैया लाइट नहीं है, नहा नहीं पाए धो नहीं पाए, तो उसने कहा सोसाइटी को 20,000 रुपए का नुकसान हो गया। दैट बॉक्स केम फॉर 20,000 रुपीज। वो तो अच्छा हुआ, इमरजेंसी को समझ के उन्होंने फटाफट उस पे एक्शन लिया। ये लाइव करेले की सब्जी देखी जा रही है और बनाया जा रहा है, मौत का फरमान। देखो मुझे 100% पता है कि कमेंट सेक्शन में आने वाला है करेला इज गुड फॉर योर हेल्थ, करेला खाना चाहिए, करेले से सब अच्छा होता है, मुझे पता है। बट करेले के लिए somehow I put my foot down यार, मेरे से नहीं हो पाता। मैंने हर तरीके से ट्राई कर लिया, छिलका लगा के, छिलका उतार के, किसी में मैरिनेट करके, बिना मैरिनेट करके, दही में डाल के, भाई नहीं हो पाता है, तो भगलूंगा भाई। तो मेरे लिए वो ले आओगे गोल गप्पा और एक शुगर फ्री आइसक्रीम, मिलन को ले जाना साथ में। दादा की तरह पापा को भी गोलगप्पे चाट पापड़ी इन सब की तलब लगती है एकदम से, लाइक फादर लाइक सन। आप लोगों को खिला तो नहीं सकता हूँ, पर साथ लेके चल सकता हूँ। ये हम लोग आ गए श्री गोकुलम। भैया एक प्लेट गोलगप्पा पैक कर दीजिएगा, एक प्लेट गोलगप्पे की पर्ची काट दीजिएगा। हो गया 5 रुपए एक्स्ट्रा फॉर पैकिंग, लीजिए सर। थैंक यू। आ गए फ्रेशली। लंदन डेरी की आइसक्रीम कहाँ है? लंदन डेरी, लंदन डेरी, लंदन डेरी। भैया लंदन डेरी की आइसक्रीम कहाँ हो? बहुत बढ़िया, शुगर फ्री होगा इसमें? हाँ स्टिक में शुगर फ्री, मैं लेके जाता हूँ यहाँ से अक्सर। मिल गया पिताजी, आपके गोल गप्पे आ गए। तीन प्रकार का पानी है। अब करेला कैसा था ये मैं आपको बताऊंगा कल। सो इट्स द एंड ऑफ अनदर डे एंड आई रियली होप यू लाइक द व्लॉग, एंड इफ यू डिड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, एंड एज ऑलवेज स्टे सेफ स्टे पॉजिटिव एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। एगोज ऑफ द लाइक।